बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की प्रतिमा लगाने की घोषणा की है। इस दौरान नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि बिहार में हर साल अरुण जेटली की जयंती राज्य समारोह के रूप में मनाई जाएगी। एनडीए की ओर से शनिवार को आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सीएम नीतीश कुमार ने इस बात की घोषणा की। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित जेटली की श्रद्धांजलि सभा में सीएम नीतीश कुमार कई बार भावुक हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेपी आंदोलन में अरुण जेटली की भूमिका से हम सभी परिचित हैं। साल 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मुझे जेटली के साथ काम करने का मौका मिला था। फरवरी और अक्टूबर नवंबर महीने में हुए विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका को नहीं भुलाया जा सकता है। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अरुण जेटली विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होते थे। वे कभी दुखी नहीं रहते थे, हमेशा ही उत्साहित होकर अपनी बात रखते थे। अरुण जेटली विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। बता दें, देश के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी कद्दावर नेता अरुण जेटली का 24 अगस्त को निधन हो गया था। दिल्ली के एम्स में दोपहर 12 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली थी। वो 66 साल के थे। जेटली 9 अगस्त से ही एम्स में भर्ती थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ के कारण एम्स में भर्ती किया गया था। अरुण जेटली का इस तरह से जाना एक तरफ जहां मोदी के संकट मोचक का जाना रहा, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा झटका रहा। न्यूज़ डेस्क।